आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ आईडी के बारे में। हेल्थ आईडी एक डिजिटल वॉलेट है जिसमें आपके हेल्थ की पूरी बायोडाटा, पूरी रिपोर्ट रहता है। यानी हेल्थ आईडी में आपकी जो भी आपने इलाज कराया है वो पूरा रिपोर्ट आपके हेल्थ आईडी में रहता है। जैसे आपने कहीं गया, किसी डॉक्टर के पास गया, वहाँ पर इलाज करवाया, जैसे आपने ब्लड ग्रुप चेक करवाया, ब्लड ग्रुप चेक करवा के अपना ये जो हेल्थ आईडी है उसमें आपका हेल्थ आईडी में रखवा लीजिए। इसके बाद कहीं भी अगर आप जाते हैं, जैसे आप दिल्ली से हैं, अगर आप बिहार आ रहे हैं तो आप बिहार में किसी डॉक्टर के पास गए और वहाँ पर अपना बॉडी को चेकअप करवाया, तो जो आप वो हेल्थ आईडी बनाए रहिएगा, वो जो हेल्थ आईडी डॉक्टर को जो दीजिएगा ना, तो वो डॉक्टर आपके हेल्थ आईडी को एक्सेस करके वो जान सकता है कि आपने क्या प्रिस्क्रिप्शन लिया है, क्या मेडिसिन लिया है, क्या दवा लिया है, कौन से ब्लड ग्रुप चेक करवाया है और आपका पास कौन कौन से इलाज हुआ है, तो वो आपसे भी कन्फर्म कर सकता है और उसमें भी आपको देख सकता है कि एक्सेस करके कि हाँ इसने वाकई में इसने ये इलाज करवाया हुआ है यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही शानदार तरीका है हेल्थ आईडी, जिसको आप बनवा के बहुत ही प्रोफेशनल तरीका से आप इलाज करवा सकते हैं और डॉक्टर एक्सेस करके बहुत ही आसानी से आपका इलाज भी कर सकता है। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आज बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से हेल्थ आईडी बनाएंगे, क्योंकि हेल्थ आईडी इंडिया में कुछ सेलेक्टेड ही स्टेट में अवेलेबल है। अभी पूरे इंडिया में, पूरे स्टेट में ये अवेलेबल नहीं है। तो आप अपना हेल्थ आईडी कैसे बनवाएंगे, इसी के लिए मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, डिटेल से बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना हेल्थ आईडी बनाएंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट तक बनिएगा तभी आप समझ पाइएगा कि किस तरीके से हम हेल्थ आईडी बनाएंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हम बात करने वाले हैं हेल्थ आईडी के बारे में। हेल्थ आईडी जो है ना एक डिजिटल वॉलेट है। हेल्थ आईडी जो है एक डिजिटल वॉलेट है जिसमें आपकी हेल्थ का डिजिटल रिकॉर्ड जो है ना उसमें रिकॉर्ड रहता है, आपकी हेल्थ की कि आपको कौन सी बीमारी हुई थी, आपको कौन से प्रिस्क्रिप्शन आपको दिया गया था, कौन कौन सी मेडिसिन आपको दी गई थी, कौन कौन से आपने टेस्ट कराए थे, ये सारा डेटा आपकी हेल्थ आईडी में सेव रहेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब भी कोई हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको वहाँ पे आपकी हेल्थ के बारे में आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपकी हेल्थ आईडी के एक्सेस करके आपकी पूरी हेल्थ हिस्ट्री को वो देख सकते हैं, जिसमें आपकी सही तरीके से इलाज हो सकता है। इसी तरीके से आप जो भी टेस्ट कराएंगे, एग्जाम्पल आपने ब्लड टेस्ट कराया तो उसकी आईडी भी आपकी हेल्थ जो है आईडी जो है उसमें आपकी सेव हो जाएगी। तो इससे आप जब भी इलाज के लिए जाएंगे तो आपको दोबारा सेव ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हॉस्पिटल आपकी हेल्थ आईडी के एक्सेस करके आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट को देख सकता है। हेल्थ आईडी का रजिस्ट्रेशन अभी कुछ ही स्टेट में जो स्टेट है उसमें शुरू हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ अंडमान निकोबार आइसलैंड है, चंडीगढ़ है, दादर एंड नगर हवेली है, दामू एंड दीव है, लद्दाख है, लक्षद्वीप है एंड पांडिचेरी है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये जो जितनी स्टेट है यहाँ पर दे रखा है, और अभी कुछ ही स्टेट में यहाँ पर शुरू होने वाली है, तो यहाँ दे रखा है कमिंग अदर स्टेट, तो यहाँ से अदर स्टेट में भी शुरू होने वाली है। तो आप इनमें से किसी में रहते हैं तो आप यहाँ पे हेल्थ आईडी जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड रहता है चंडीगढ़ में, तो मैं आपको यहाँ पे उसकी हेल्थ आईडी यहाँ पे क्रिएट करके आपको बताऊंगा। चलिए मैं आपको हेल्थ आईडी आपको क्रिएट करके दिखाता हूं। तो हेल्थ आईडी को क्रिएट करने के लिए यहाँ देख रहे हैं कि क्रिएट योर हेल्थ आईडी, इस पर हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कंटिन्यू, तो यहाँ पर अपने पूरे स्टेट का नाम आ चुका है। यहाँ पर सिंपली हम कर देंगे कंटिन्यू, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा। नीचे आने के बाद देख रहे हैं कि यह हेल्थ आईडी क्रिएट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला कि आप आधार कार्ड के साथ जनरेट कर सकते हैं, जबकि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि आपको उस पर एक OTP आएगा। अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो दूसरा ऑप्शन भी है, यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक कीजिएगा। और क्लिक हेयर पर करने के बाद यहाँ देख रहे हैं दूसरा ऑप्शन है जो मोबाइल का, आप कोई भी मोबाइल डाल के यहाँ से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन, चलिए हम यहाँ पर ओके कर लेते हैं। यहाँ अपना जो भी मोबाइल नंबर है तो वो वहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज जाएगा, उसको आप डालेंगे। इसके बाद उसको आगे के लिए हम प्रोसेस के लिए आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ मोबाइल नंबर हम डाल लेते हैं।
मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर एग्री ओके करेंगे। इस बात कैप्चा मैं रोबोट नहीं हूँ, इस पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ सबमिट पे ओके कर देंगे। जैसे सबमिट पे ओके करेंगे तो जैसे मेरे जो केस में मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया होगा, मैं यहाँ पर ओटीपी डाल देता हूँ। चलिए मेरे केस में ओटीपी आ गया है, तो मैं यहाँ पर ओटीपी अपना डाल देता हूँ। अगर आप भी ऐसे कीजिएगा, अगर आपके पास ओटीपी आएगा तो आप भी इसी तरीके से ओटीपी डाल सकते हैं। ओटीपी डालने के बाद कर देंगे यहाँ पर सबमिट। सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ के फर्स्ट नेम आपको डालना पड़ेगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम। इस पर यहाँ पर आप हेल्थ आईडी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ हेल्थ आईडी में अपना नाम डाल सकते हैं। अगर ये अवेलेबल हुआ तो यहाँ पर ले लेगा, अगर अवेलेबल नहीं हुआ तो यहाँ पर नहीं लेगा। चलिए मैं यहाँ पर नाम डाल कर देखता हूँ। देखिए यहाँ पर लेता है कि चलिए ये मेरा ले लिया है। तो अगर आपका नहीं लेगा तो आप यहाँ पर सिंपली कोई और नाम यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज कर लेंगे। पासवर्ड में कैसा होना चाहिए, जैसे मेरा नाम है इंजीनियर राजा, तो यहाँ पर नाम होना चाहिए पहला का शुरू में कैपिटल, फिर स्मॉल कोई स्पेशल करेक्टर, इसके बाद कोई नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, इसके बाद यहाँ से फिर दोबारा से डाल कर उसको कन्फर्म कर लेंगे। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ सिंपली आपको डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं स्टेट का, जो मैं चंडीगढ़ से, मेरा फ्रेंड है तो मैं यहाँ चंडीगढ़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जहाँ से भी सेलेक्ट करेंगे यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट इसको चूज कर सकते हैं कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन पड़ता है, तो चंडीगढ़ पड़ता है तो यहाँ डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप प्रॉपर एड्रेस डाल देंगे, जो भी एड्रेस तो आप यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर जेंडर चूज कर लेंगे। जेंडर चूज करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर कर देना है। यहाँ देख रहे हैं कि आपका जो ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ जेंडर चूज करने के बाद सिंपली हम यहाँ कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मेरा ओपन होकर आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन आ चुका है। पासवर्ड अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव कर लीजिए, मैं निर्भर करता हूँ, मुझे सेव नहीं करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर योर हेल्थ आईडी, आपका ये आपका जो हेल्थ आईडी है वो आपका यहाँ पर आ चुका है। तो इसमें जैसे इस तरीके से आपका हेल्थ आईडी जनरेट हो चुका है। यहाँ पर आप हेल्थ आईडी हो गया आपकी, ये आपका ये हेल्थ नंबर हो गया, इसको यहाँ डेट ऑफ बर्थ हो गया, मेल हो गया, और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर हो गया। और इस साइड में आप देख रहे हैं कि वार कोड यहाँ पर आपका दे दिया गया है, और साथ ही आपको नीचे इसमें और डिटेल दे दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ साथ ही यहाँ पर आप प्रोफाइल पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं अपना प्रोफाइल पिक्चर एडिट कर ओके करता हूँ। जहाँ मेरा प्रोफाइल पिक्चर है तो वहाँ से मैं प्रोफाइल पिक्चर को सिंपली इसमें ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन आ चुका है। मैं चलिए यहाँ पर सिंपली ओके करता हूँ। ओके करने के बाद जहाँ आपका प्रोफाइल पिक्चर है तो वहाँ से आप प्रोफाइल पिक्चर सिंपली तरीके से निकाल सकते हैं कि आपका प्रोफाइल पिक्चर कहाँ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फोटो भी इसमें ऐड हो चुका है। इसके बाद आप इसको सिंपल तरीके से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ देख रहे हैं डाउनलोड हेल्थ कार्ड, चलिए हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद देखिए अगर यहाँ पर ये डाउनलोड होकर ऑप्शन हो गया होकर आ जाएगा। देखिए यह मेरा डाउनलोड हो गया है, और मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखाता हूँ कि मेरा ये कैसा है हेल्थ कार्ड। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये हेल्थ कार्ड कुछ इस तरीके से है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको बना दिया हूँ। अब मेरा हेल्थ कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको आप अपने डिजिटल वॉलेट में भी सेव कर सकते हैं, और साथ ही इसको आप प्रिंट करके रख भी सकते हैं, और प्रिंट करके आप लेमिनेशन करके आप इसको बहुत अच्छी तरीके से आप इसको रख भी सकते हैं, और बहुत ही आसानी से आप इसको यूज भी कर सकते हैं। किसी भी टाइम आप इसी साइट पे लॉगिन पर क्लिक करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि हेल्थ कार्ड आईडी का नंबर मांग रहा है, वो यहाँ पर आप हेल्थ कार्ड आईडी का नंबर भी आईडी नंबर भी यहाँ पर हेल्थ आईडी भी डाल सकते हो, और यहाँ देख रहे हैं हेल्थ आईडी नंबर, तो यहाँ पर हेल्थ आईडी नंबर भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर हेल्थ आईडी डालने के बाद सिंपली यहाँ से हम कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन होकर हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ देखते हैं ओटीपी के द्वारा भी आपको यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं, या आप चाहे तो पासवर्ड के द्वारा भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पासवर्ड चूज कर लेते हैं। पासवर्ड चूज करने के बाद यहाँ पर आप सिंपली आपको पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड डालने के बाद सिंपली हम यहाँ से कर देंगे लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से आपका ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर आपका जो कार्ड है वो आपका यहाँ पर कार्ड बहुत ही आसानी तरीके से ये ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका यहाँ पर आपका हेल्थ आईडी कार्ड ओपन होकर आ जाएगा। किसी भी टाइम इसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं, और कोई भी डिटेल यहां से आप चेंज भी कर सकते हैं, और साथ ही आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं यहां डाउनलोड हेल्थ आईडी कार्ड पे जाके। अब आपका ये परमानेंट हेल्थ आईडी नंबर, ये आपका जो नंबर है ये आपका परमानेंट बन चुका है। किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप इलाज के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आप ये नंबर शो करेंगे, तो वहाँ पे आपका जो भी इलाज होगा आपके इस हेल्थ आईडी के नंबर के अनुसार, तो आपका जो ये हेल्थ आईडी कार्ड है उसमें आपका ये सेव किया जाएगा। तो आप इसी तरीके से बहुत ही आसानी और सिंपल तरीके से आप अपना या अपने अड़ोस पड़ोस का जो भी फ्रेंड वगैरह है उसको बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर हेल्थ आईडी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से हम हेल्थ आईडी बनाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।